महानगर के मुख्य एंट्री पॉइंट बरगदवा पुलिस चौकी के पास बने बैरिकेटिंग पर पुलिस और सिविल डिफेंस के द्वारा लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराया जा रहा है। मंगलवार को सीओ कैंपियरगंज दिनेश सिंह ने बरगदवा में आने जाने वालों से बात की और उन्हें कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक किया। सीओ कैंपियरगंज दिनेश सिंह ने लोगों से कहा कि लॉकडाउन का पालन करें और अगर आवश्यक कार्य ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। इस संबंध में सीओ दिनेश सिंह ने बताया कि पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है और अनाउंस करा कर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सीओ दिनेश सिंह ने बताया कि कैंपियरगंज क्षेत्र में गरल अभियान के तहत कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया है और कार्रवाई भी की गई है, जिससे कच्ची शराब के अवैध कारोबार पर लगाम लगाई जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज दिनेश सिंह ने कहा, आपको लगता है कि ज़्यादा गंभीर मामला है, ठीक है। डॉक्टर हैं सर, इनके लॉकडाउन का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, बहुत ज़रूरत अगर पड़ती है तो घर से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बना के ही चलें। कृपया ध्यान दीजिए, लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इसका इलाज है। सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। देखिए, जहाँ तक कार्यालय खोलने की बात है, कुछ मतलब लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनके कार्यालय और आवश्यक वस्तुएं जो जिससे जो कि जनता के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मेडिकल स्टोर, खाद्यान्न, इसके लिए कुछ ढील दी गई है। बाकी कड़ाई से इसका पालन कराया जा रहा है लॉकडाउन का, कि कहीं किसी प्रकार के सोशल डिस्टेंसिंग का, और लॉकडाउन में आप गांव में भी बताया जा रहा है, शहर में भी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जा रहा है, और हाथ को बार बार धुल करके साफ़ सफाई रखने के लिए बताया जा रहा है, सैनिटाइजर का प्रयोग बताया जा रहा है, सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, गांव-गांव में भी जागरूक किया जा रहा है। लेखपाल कानून को और हमारे पुलिस विभाग के जो भी बीट अफसर हैं, सिपाही जो हैं, वो सभी लोग जा करके बता रहे हैं सभी लोगों को कि आप लोग सावधानी से रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय काफ़ी इसके बारे में सेंसिटिव हैं और सभी जनपद के सभी सर्किल में, थानों में इसका अभियान चलाया गया, जो अभियान गरल के नाम से जाना जाता है, और मतलब काफ़ी टाइट दिशा निर्देश दिया गया और उसमें काफ़ी लोग पकड़े गए जिनके खिलाफ की कानूनी कार्रवाई की गई है, और उस पर सतर्क दृष्टि भी रखी जा रही, कहीं किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की घटना ना हो।